दर्शकाः संस्कृतपाठशालायां स्वागतमस्तु सर्वेषाम्। अहं सर्वेभ्यः नमो नमः इति वदामि। आइए आज ऐसे ही कुछ वाक्यों का प्रयोग कर लेते हैं। अहं नमो नमः वदामि अर्थात मैं नमस्कार या नमः नमः यह कहता हूँ। भवान अपि नमो नमः इति वदतु, इसका अर्थ है आप भी नमो नमः यह बोलें। इसी तरह अपने से छोटी आयु वाले के लिए कहना हो कि वह भी नमो नमः बोले तो कहेंगे त्वं नमो नमः इति वद अर्थात तुम नमो नमः यह बोलो। तो अब तक हमने जाना कि संस्कृत में मैं को अहम्, आप को भवान और तुम को त्वं यह कहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं एक और शब्द के बारे में। हमने अभी कहा त्वं नमो नमः इति वद, यहाँ एक शब्द आया वद, पर हम संस्कृत के इस शब्द को अन्य भाषाओं से प्रभावित बल्कि कुप्रभावित होकर बोल जाते हैं वद, यानी त्वं नमो नमः वद। ऐसे ही त्वं नमो नमः कथय को बोल जाते हैं त्वं नमो नमः कथय, और फिर ऐसे ही त्वं नमो नमः लिखा या पठा, यहाँ लिखा और पठ की जगह हम उच्चारण कर जाते हैं लिख पठ, यानी त्वं नमो नमः लिख त्वं नमो नमः पठ, और ऐसे ही कई अशुद्ध उच्चारण हम में से कई लोग कर जाते हैं। और हम आपको अपनी संस्कृत पाठशाला में यही बताते चले आ रहे हैं कि संस्कृत अर्थात परिष्कृत और वैज्ञानिक तथा तार्किक भाषा में शुद्ध उच्चारण कितना महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हमेशा जैसा लिखा है वैसा ही संस्कृत में पढ़ा जाना चाहिए। वैसे हम तो यह देखते ही हैं कि कई ऐसे शब्द हैं जहां हम संस्कृत शब्द के अ इस एक अक्षर का उच्चारण ही नहीं करते, वहीं दूसरी ओर ऐसे भी शब्द हैं जहां हम अतिरिक्त रूप से अ या आ को जोड़ देते हैं। जैसे एक शब्द है द्वार, जिसे हम मुख सुख या कुछ प्रादेशिक प्रभाव की वजह से द्वार बोल जाते हैं। वस्तुतः द्वार के द के बाद हम अतिरिक्त रूप से अ अक्षर जोड़ लेते हैं। ऐसे ही अतिरिक्त रूप से आ अक्षर भी हम जोड़ लेते हैं। जैसे अत्यधिक बोलना हो तो हम कहते हैं अत्याधिक, और हमें यह लगता है कि यही सर्वथा शुद्ध है, यही अधिक संस्कृत रूप है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक इसी तरह से एक शब्द है अनधिकृत, और हम कई बार बोलते हैं और कई बार ऐसा लिखा हुआ भी पाते हैं अनाधिकृत, अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है। तो इस तरह से कुछ अशुद्धियाँ होती हैं जबकि होना चाहिए इसे अनधिकृत। ऐसे ही कई उदाहरण हैं जहां हमें रखना चाहिए उच्चारण का विशेष ध्यान। यूं कहें कि संस्कृत या संस्कृत निष्ठ शब्दों का हम करते रहें सावधान और सब प्रावधान शुद्ध उच्चारण, यही है संस्कृत पाठशाला का विश्लेषणात्मक संज्ञान। तावत् पुनर्मिलामः उच्चारण शिक्षायाः अभिनव कक्षायां। नमो नमः।